नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या-क्या इंस्टॉल हुआ पड़ा है, तो ये हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे स्टार्ट पर जाना है। स्टार्ट पर जाएंगे, उसके बाद आपने इसको स्टार्ट पर जाना है और फिर आपने क्या करना है, नीचे ऑल प्रोग्राम है, इसके ऊपर टिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर टिक करते हैं तो इसमें काफ़ी चीज़ें खुल जाती हैं, देख सकते हो। ये बता रहा है इसमें आपका अडोब फोटोशॉप ऑप्शन में डाल रखा है, फिर ये है क्रोम डाल रखा है, फिर ये एंड्रॉयड स्टूडियो है, यूट्यूब कैचर है, काउंटर स्ट्राइक गेम है, और जी मोनेशन है, कैस्पर्स की एंटीवायरस है, हिटलीप है, एनवीडिया का है। तो दोस्तों आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल है, क्योंकि और इसमें हम कैसे अब उस प्रोग्राम को खोलेंगे। जैसे आपने ऑल प्रोग्राम पर टिक किया, अब देख लो कि मैं चाहता हूँ कि इसमें मैंने फ़ोटोशॉप में काम करना है, तो मैं फ़ोटोशॉप को 7 को ओपन करूँगा, यहाँ से डबल कर करूँगा। अब आप देखोगे कि फ़ोटोशॉप मेरा जो है ओपन हो गया है, इसकी इमेज आ गई है। तो ये हमारा फोटोशॉप ओपन हो गया। अब फोटोशॉप ओपन कर ले, इसके बाद हम सोचते हैं कि हमारे जो है एक्सेल वर्ड की फाइल हम कैसे खोलेंगे। हमने फिर स्टार्ट पर जाना है, ऑल प्रोग्राम के अंदर जाना है और नीचे लिखा है एमएस वर्ड होगा। मैंने ऑफिस डाल नहीं रखा इसलिए आ नहीं रहा। तो जब भी आपने एम एस वर्ड ऑप्शन होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। वह हम चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर एंटीवायरस कौन सा है। एंटीवायरस के लिए आप इस पर टिक करोगे तो इसमें नीचे आएगा कैस्पर एंटीस या क्विक हिल होगा, कुछ भी होगा। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर डले पड़े हैं और कैसे हम उनको ओपन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।